हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ मानसी. तो आज का वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये तो आज का वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे वीडियोस में पूछा जाता है. और वैसे तो मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर देती हूँ, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका रिप्लाई मैं वहीं कर देती हूँ कमेंट्स में ही. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कमेंट के ज़रिए लिख पाना और पूरा प्रोसेस कमेंट में बताना बहुत मुश्किल होता है. तो ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत लोग पूछ चुके हैं तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ जो कि आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो भी मैं DIYs बनाती हूँ तो इनको मैं अपनी वॉल पे हैंग कैसे करती हूँ. स्पेशली जब आप रेंटेड हाउस में रहते हैं या फिर रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि हम DIYs तो बना लेते हैं लेकिन फिर उनको हैंग करने की जब बारी आती है तो वो एक अलग ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. तो आज मैं आपके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं अपनी वॉल्स पे इन चीज़ों को डेकोरेट करती हूँ, वो मैं शेयर करने वाली हूँ. बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहें. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ अपने DIYs को हैंग करने के लिए. तो आप देख सकते हैं सिर्फ बेसिक टेप्स हैं और इन्हीं से मैं सारी चीज़ों को हैंग करती हूँ. तो पहले मैं ये सेलो टेप जो होता था उसको यूज़ करती थी, बट अब मैंने इसको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया है क्योंकि एक दो बार मैंने इसको यूज़ किया और फिर मैंने देखा कि जब वॉल पे इसको स्टिक करो और उसके बाद जब आप इसको निकालते हो तो ये अपना ग्लू वॉल पर ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से वॉल के ऊपर इस तरह के मार्क्स आ जाते हैं और उससे कुछ टाइम बाद वॉल बहुत गंदी दिखने लगती है. तो इसको आप ना यूज़ करें. मैंने गलती की तो उस गलती से आप सीख सकते हैं. इसके बाद मैंने एक इस तरह का डबल साइडेड टेप भी यूज़ किया, बट इसको यूज़ करने का भी एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है. मैं जो भी चीज़ इस पर हैंग करती हूँ वो टाइम टाइम के बाद गिरती रहती है, मुझे बार बार उसको फिर से लगाना पड़ता है. तो जैसे कि यहाँ पर एक काफ़ी हल्का सा एक DIY मैंने बनाया था, पेपर का ही है, बहुत लाइट वेट है, बट ये भी बार बार गिरता रहता है और मुझे महीने में एक या दो बार इसको उठा के वापस से अपनी जगह पे चिपकाना पड़ता है. तो कई बार ये गिर चुका है तो मैंने इसको इस बार उल्टा पता नहीं कैसे लगा दिया है. अब दोबारा जब ये गिरेगा तो मैं इसको सीधा करके लगाऊंगी. तो इस तरीके से आप जब चीज़ें यूज़ करते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या चीज़ सही रहेगी क्या चीज़ नहीं सही रहेगी. बट इस डबल साइडेड टेप से बेटर मुझे लगता है ये मास्किंग टेप. जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा कि ये मास्किंग टेप की होल्ड इतनी अच्छी है कि मैं ज़्यादातर अपने सारे DIYs इसी से चिपकाती हूँ. आप इस वॉल पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, लगभग ज़्यादातर सारी चीज़ें मैंने इसी से हैंग कर रखी हैं और ये कभी गिरती नहीं है. और बस एक सिंपली एक टेप लगा दीजिए ऊपर और फिर ये अच्छे से सिक्योर रहती हैं. मैंने इसके अलावा जो भी DIYs पहले बनाए हैं वो सब भी मैं इसी से चिपकाती हूँ. तो ये मेरी गुड वाइब्स वाली हैंगिंग डबल साइडेड टेप से लगी हुई थी जो कि गिर चुकी थी. तो अब मैं इसको मास्किंग टेप से लगा दे रही हूँ ताकि अब ये गिरेगी नहीं. तो जब भी आपको मास्किंग टेप से कोई चीज़ लगानी हो तो आप सिंपली टेप को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए. तो ऐसे फोल्ड करने से ये सॉर्ट ऑफ डबल साइडेड टेप की तरह ही काम करेगा और जहाँ पर भी आपको लगाना है इसको लगाइए और इसके बाद आप उस चीज़ को वॉल पर इस तरह से चिपका दीजिए. और बस अब ये हमेशा इसी तरह अच्छे से वॉल पे लगा रहेगा, गिरेगा भी नहीं. और मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया था तो जब आप अकेले सारी चीज़ें करते हो तो पता नहीं चलता है, जब बाद में देखो तब दिखाई देता है कि चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, क्या क्या गड़बड़ हुई है. तो कुछ इस तरीके से मैंने बहुत ही सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन निकाला है अपनी चीज़ों को वॉल पर लगाने का. तो जो भी मेरे DIYs मैंने डबल साइडेड टेप से लगाए थे वो सब इस तरह गिरते रहते हैं. ये भी अटका हुआ था बीच में तो इसको भी मैं ठीक कर देती हूँ मास्किंग टेप की हेल्प से. और इनको रिमूव करना भी बहुत आसान होता है क्योंकि मास्किंग टेप जब आप वॉल से वापस निकालते हैं तो अपनी जगह कोई निशान नहीं छोड़ता है, कोई ग्लू वॉल पे नहीं छोड़ता है और वॉल बिल्कुल उसके बाद भी क्लीन दिखती है. तो इसके लिए मैं इसे ही प्रेफर करती हूँ. अब ये तो बात हो गई हल्की फुल्की चीज़ों की, लेकिन अगर कोई भारी चीज़ आपको स्टिक करनी है तो आप मास्किंग टेप की हेल्प से नहीं कर सकते. उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये डबल साइडेड मैजिक टेप. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इवन मैं मास्किंग टेप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो ये आप मिरर देख सकते हैं जो कि थोड़ा हैवी है और मैंने इसको
इसी मैजिक टेप से स्टिक किया है। और भी सारे जो भारी भारी DIYs हैं वो मैं इसी से हैंग करती हूँ वॉल पे। और इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप इसको तभी चिपकाइए जब आपको कोई चीज़ परमानेंटली कोई वहाँ पे फिक्स करनी हो। लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो मैं यहाँ पे आपको एक डेमो बता देती हूँ कि आप इसको किस तरह निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप ब्लो ड्रायर ले लीजिए और जहाँ से भी आपको ये टेप निकालना है वहाँ पे पीछे की साइड आप इसको थोड़ी देर इस तरीके से लगाइए और जो भी टेप का ग्लू है वो मेल्ट हो जाएगा और फिर उसकी हेल्प से ये ईजिली रिमूव हो जाएगा। पहले मैंने एक बार इस तरह से ये टेक्निक यूज़ की है। इसके अलावा अगर आप नेल नहीं ड्रिल करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे जिससे आप बिना वॉल पे ड्रिल किए भी इस तरह के नेल्स लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो और आपकी कोई प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुई हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।